आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का करेंगे शुभारंभ। राज्य के 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड का तोहफा। शहडोल के पकरिया गांव भी जाएंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बातचीत। पुतिन ने वैगनर की बगावत के बाद के हालात पर की चर्चा। आपसी रिश्तों पर भी हुई बातचीत। पीएमओ ने जारी किया बयान, कहा पीएम ने फिर बातचीत और कूटनीति से हल निकालने की दी सलाह। आज होगी बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक। शाम 4 बजे होगी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। चीन की घुसपैठ पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में कहा, चीन लगातार करता है भारत की संप्रभुता पर हमले की कोशिश, लेकिन भारत ने नाकाम की चीन की साजिश। वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड दैट वायलेशन वाज बाय चाइना। दिस एफर्ट्स हैज बीन काउंटर्ड एंड विल कंटिन्यू टू बी काउंटर्ड। राज्यों को आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने SDRF के तहत जारी किए 6,194 करोड़ रुपए। 19 राज्यों को मिलेगा फायदा। अयोध्या में राम मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य लगभग पूरा। भवन निर्माण समिति ने जारी की तस्वीरें। मंदिर के सिंह द्वार, मृत मंडप के साथ ही गर्भगृह का भी काम पूरा। खंभों में मूर्तियां उकेरने का काम हुआ तेज। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी की करेगा दर्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम से रवाना हुआ पहला जत्था। अफ्रीकी देश केन्या में बहुत बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। हादसे में 48 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। लेकिन तेज रफ्तार पानी की धार में वो बुरी तरह फंस गया। पुल पार करते वक्त उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर बंद हो गई, जिसके बाद वो नदी की तरफ बहने लगा। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों महिलाएं लहरों से बचने और मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक वक्त तो लगा कि तीनों मोटरसाइकिल समेत नदी में समा जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ एक शख्स वहां पहुंचा और तीनों को सुरक्षित बचाकर पानी के बाहर किया। वहीं गुजरात पर यह आसमानी आफत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां कई जिलों में पहले ही कोहराम मचा दिया और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में सड़कें दरिया बन गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में तो सड़क पर बहते पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा कि वहां से कोई तेज धार नदी बह रही हो। मौसम विभाग ने गुजरात के डांग, वलसाड, तापी, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और जूनागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जबकि बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों से मटमैला पानी नीचे आने लगा। भारी बारिश की वजह से वहां चारों तरफ बाढ़ आ गई।